सो गाइस, अगर आपको आगरा मूवी अच्छी लगी हो तो आज का ये काउंटडाउन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस लिस्ट में मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बताऊंगी जो आगरा मूवी को भी पीछे छोड़ चुकी है। तो काउंटडाउन शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 3 पर है मगुआ। यह क्राइम थ्रिलर मूवी की शुरुआत होती है कुछ शरारती लड़कों से जो एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं। फिर वो मिलकर उस लड़की के साथ बड़ी बदसलूकी करते हैं जिसे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये लोग फिर से एक दूसरी लड़की को किडनैप करते हैं, लेकिन इस बार ये लड़की उन सब पर भारी पड़ जाती है। ये लड़की किसी को नहीं छोड़ती, सबको एक एक करके मार देती है। पर कैसे और ये लड़की आखिर कौन है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 और आप इसे YouTube पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर है खुफिया। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसमें आपको कुछ ऐसे सीन्स देखने मिलेंगे जो शायद आप अपनी फैमिली के साथ देखना पसंद नहीं करेंगे। इसकी कहानी एक हाउस वाइफ के इर्द गिर्द घूमती है जिसका पति गद्दार निकलता है और इंडिया छोड़कर भाग जाता है, लेकिन उसकी वाइफ एक एजेंट को अपने पति पर निगाह रखने के लिए कहती है। कहानी में एंड तक ये हाउस वाइफ अपने मिशन को कैसे पूरा करती है ये आप मूवी देखकर समझ पाएंगे। इसका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है और इंटरेस्टिंग है। इसका IMDb रेटिंग है 6.1 और आप इसे नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पर है रिया। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है रिया से, जो अपने आप को एक अजीब और डरावने हालत में पाती है। उसके आसपास काला जादू छाया होता है जो उसकी जिंदगी को खत्म करने पर तुला होता है, लेकिन रिया किस तरह से इस काले जादू की जाल से निकलती है ये देखने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 4.9 और आप इसे इंटरनेट की मदद लेकर देख सकते हैं। सो होप आपको ये मूवी पसंद आए हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून।